आयरलैंड वो न्यूजीलैंड का मेल है, ये इम्पोर्टेड है, मगर ये कह ले तकरीबन 80% माशाल्लाह इधर भी बनीज आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हसन है, आप लोग देख रहे हैं HSN एंटरटेनमेंट। आदिल भाई के पास मैं आया हूँ यहाँ पर लाहौर में, एक बड़े फार्मर्स के अंदर इनका नाम शुमार होता है, रैबिट फार्मिंग के अंदर मोबाइलों का इनका काम था, इन्होंने वो काम को छोड़ के इस काम को अहमियत दी और इनका फार्म आप लोग माशाल्लाह से देख सकते हैं, इनके पास काफी सारी नस्लें हैं यहाँ पर जिसके ऊपर ये वर्किंग कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। और इनका कहना ये है कि यार दो तीन खरगोशों से कारोबार नहीं होता, अगर कारोबार करना है वाकई अच्छे प्रोफेशनल लेवल पे करना है तो फिर आपको ज्यादा वैरायटी लगानी पड़ेगी, लेकिन आप लोग स्टार्टिंग जो है थोड़े हल्के खरगोशों से कर सकते हैं, ना कि एक ही बार फ्लेमिश और जर्सी जैंट की तरह जाएं जो कि बड़ी म्यूटेशन और बहुत महंगी है। तो आदिल भाई कैसे की बताते, ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक बिल्कुल। आदिल भाई कौन कौन सी ब्रीड आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे? ये फर्स्ट रूम है और सबसे पहले ये हॉलैंड लूप आता है हमारे, हॉलैंड लूप, हाँ जी, ये एज ए पेट सेल होता है और माशाल्लाह इसकी मेरे पास 10 फीमेल हैं और इसके बनीज ये कह रहे हैं पेट्स लोग घर में रखते हैं इसको, बिल्कुल रखते हैं, ठीक है, और ये ट्रेन भी हो जाता है जैसे आप कैट वगैरह ट्रेन करते हैं घर में, मतलब ये शिट वगैरह जो घर में गंद डाल देते हैं उस तरह का सिस्टम नहीं होता? नहीं नहीं, उसको ट्रेन करना पड़ता है, ये हो जाता है इजीली, हो जाता है। अच्छा अच्छा, इसको थोड़ा सा पीछे करके दिखाते हैं, चले हो गया, खुद ही हो गया माशाल्लाह से, चेक माशाल्लाह। इसकी मार्केट में इस टाइम ये कह रहे हैं सबसे ज्यादा बुकिंग इसकी चलती है। अच्छा, हाँ जी, और मेरे पास 10 भी मेले हैं और सेल के लिए इस टाइम एक भी बच्चा अवेलेबल नहीं है और जो बच्चे आए हुए हैं वो भी बुकिंग पे ही हैं माशाल्लाह। इसकी 10 फीमेल है, ये मेल है फीमेल है? ये मेल है। ये एडल्ट है? नहीं नहीं, ये ब्रीडर मेल है, ये इम्पोर्टेड है, ये ब्रीडर मेल है इम्पोर्टेड है। अच्छा, आगे इसमें ये फीमेलें आ जाती हैं जिनके अंदर बॉक्स होगा वो फीमेल है, ये नेस्टिंग वगैरह, ये हॉलैंड लूप की फीमेल है, ये सारे हॉलैंड लूप की लाइन है। कोई वो लिंग आई हुई है इस टाइम? हाँ जी, ये वाली आई हुई है इसकी, या बॉक्स बाहर निकाल सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, ये देखिए माशाल्लाह इसमें की, ये देखिए तीन बज माशाल्लाह से जी, बनी चेक करें आप लोग, इसका थोड़ा सा फेस इस तरफ करें। अच्छा, ये कान की फेज में गिराएगा ये? तकरीबन 1 मंथ के बाद गिरा देता है ये कान। अभी कितने डेज के हैं ये? अभी ये तो है तकरीबन 12-13 डेज के। बड़े हेल्दी हैं फीड की वजह से? ये कह ले क्वालिटी, क्वालिटी पे भी मैटर करता है, क्वालिटी आपकी कैसी है। अच्छा, अगर लो क्वालिटी होगी तो उसमें कान लेट भी गिराते हैं। सही है। आगे ये कह ले माशाल्लाह इधर भी बनीज आए हुए हैं माशाल्लाह, थोड़ा हम बाहर वाली साइड पे करेंगे तो हम भी देख सकेंगे आपके बनीज, अल्लाह ताला बरकत डालें। अच्छा, आपने वो काम छोड़ा इस काम में कितने आने की कितनी देर बाद? ऐसे ही रखें जरा, ये कह ले मैंने वो काम तकरीबन 6 महीने बाद छोड़ दिया था, तकरीबन अभी है तो सही, ये नहीं है। आपको 6 महीने में इतना मुनाफा नजर आया कि भाई निकलने की बात करो? हाँ जी बिल्कुल, ये नहीं है बिल्कुल छोड़ा नहीं है, मगर ये कह ले तकरीबन 80% इधर ही रैबिट पे ही कर रहा हूँ ज्यादातर। आप अंगूठा थोड़ा सा नीचे करेंगे फिर अपना लेनी माशाल्लाह, चेक करें गिर ना जाए बस। अच्छा, बिल्कुल चूहा सा लग रहा है अभी, कितने डेज का ये? ये कह ले 9 से 10 डेज का। 9 से 10 डेज का है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। आगे ये सारा हॉलैंड लूप है, ये सारा हॉलैंड लूप लगा हुआ है? हाँ जी, हॉलैंड लूप लगा हुआ है। ये कितने केजीज हैं? ये कह ले 5 केजीज हैं और इसमें सारा हॉलैंड लूप है। वाह यार माशाल्लाह, अल्लाह ताला नजरे बात से बचाए। अच्छा, सबसे नीचे क्यों नहीं बनाया हुआ केज, क्या वजह है इसकी? यहाँ पे जब कोई बीमार हो जाए या कोई सामान वगैरह रखना हो तो इसलिए ये खाली जगह छोड़ी हुई है। अगर वैसे भी मेरा ख्याल है अगर बंदा नीचे लगाए ना, अगर बैठ के यहाँ पर लगाने लगे थक जाता है। नहीं, वैसे भी अगर आपने कोई इसका ट्रीटमेंट करना है, कुछ देना है तो आप इजीली बैठ के वहाँ पे दे सकते हैं। जमीन पे चौकड़ी मार के बैठ के? नहीं नहीं, जमीन पे बैठ के कोई चीज रख लें, अगर आपने कोई चीज रखनी है तो इसके ऊपर केज के ऊपर, जमीन के ऊपर ना रखें। अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी ये इस तरह मेरे पास, ये सामने क्या चीज है पहले हम सामने देखे? ये सामने न्यूजीलैंड व्हाइट है, न्यूजीलैंड व्हाइट, काफी अच्छा साइज है इसका। ये 4 kg प्लस में। अभी क्या वेट होगा इसका? इसका तकरीबन 3 kg प्लस में है और 5 month का है ये। 3 kg प्लस है इसका, फेस छोटा है, बॉडी इसकी काफी बड़ी है। हाँ जी, ये एज ए मीट पर्पज है तो है। मगर अभी इसकी प्रोडक्शन चल रही है। कब तक आपको लगता है मार्केट में कमर्शियल हो जाएगा? कम से कम 2 से 3 साल कम से कम। अच्छा, लोग खरगोश खा रहे हैं पाकिस्तान में? वो जो आजकल हमारा जो देसी है वो खा लेते हैं, ये तो अभी कॉस्टली है काफी। देसी तो मैं भी खा लेता हूँ। हाँ जी, बाकी ये मैं, मेरी अपनी प्रोडक्शन है, मैं खा चुका हूँ माशाल्लाह। अच्छा, इसका गोश्त बहुत अच्छा है, सही है खाने के लिहाज से। अच्छा, ये नीचे क्या चीज है? इसको ओपन करें जरा, ये बनीज है। तो आदिल भाई क्या वैल्यू होगी इसके बनीज जो है ये वाले? ये 18,000 का पेयर है। वाओ,
तकरीबन इसकी जो क्लच आते हैं तकरीबन एक फीमेल 5 से लेके 10 तक मेरे पास बनीज आए हुए हैं। तो आदिल भाई ये क्या आपने अपने लिए रोका हुआ है? ये सेल हो चुका है, ये कसूर जाने हैं। ये कसूर जाने हैं? हाँ जी। अच्छा, कसूर में। और इसके जो छोटे बनीज भी हैं वो भी तकरीबन क्या टेम्परेचर आदिल भाई ये कितना का एक टेम्परेचर तकरीबन कंट्रोल का मतलब गर्मी कितनी? अगर ये वाले अगर आपने पूरा साल ब्रीड लेती है इनसे कम से कम 20 से लेकर 30 का टेम्परेचर होना चाहिए। अच्छा ठीक है, ये क्या दिखाने लगे आप हमें? मैं ये उससे बड़ा लग रहा है। हाँ जी, ये एज में भी ज्यादा है। हाँ जी, एज में भी ज्यादा है माशाल्लाह, ये काफी बड़ा लग रहा है उससे। आगे इससे आगे आगे आज मैं बच्चे इनके बने दिखाता हूँ। ठीक है, मैं पंडा रहा हूँ यहाँ पे दिखाते दिखाते आप लोगों को। और अगर अच्छी लग रही है भाई तो फिर यहाँ पे कमेंट कर दो माशाल्लाह का, अल्लाह ताला नजरे बाद से बचाए इसको। माशाल्लाह इसके 7-8 बनीज आए हुए हैं। अच्छा, वो पीछे भी घुसा हुआ है? हाँ जी, वो पीछे भी उधर भी है, वो देखिए बाहर निकले। तो इतना सारा कॉटन क्यों रखा होगा? ये इसने अपनी वूल उतारी हुई है। अच्छा, खुद उतारी है? हाँ, नेस्टिंग के लिए जब बनी देती है। ये हर रैबिट का बिहेवियर है ना? हाँ, ये हर रैबिट का बिहेवियर है माशाल्लाह। ये देखे वहाँ पे भी सो रहे हैं बड़े मजे से ये माशाल्लाह। मेरे पास इसकी 10 फीमेलें हैं। अच्छा, 8 ने बनी दिए हुए माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसमें जो ये बनीज आए वो तकरीबन 50% से इसको जरा थोड़ा सा बाहर वाली साइड पे टर्न करें। ये जितने बनीज आए हुए हैं तकरीबन 50% सेल हो चुके हैं अभी। 50% हो चुके हैं? हाँ जी, हो चुके हैं। ये बॉक्स बाहर आ सकता है? हाँ जी बिल्कुल। तो थोड़ा कवर करते हैं, बाहर से बच्चे दिखाते हैं कितने खूबसूरत माशाल्लाह लग रहे हैं। अच्छा, एज ए शौक भी लोग कर सकते हैं ना इसको, शौक के तौर पे भी कर सकते हैं। बिजनेस ना समझे, अगर सेट हो जाए तो ठीक है, वरना शौक करो यार आप लोग। हैं इसे सामने वाली साइड पे आए, राइट साइड पे आए मेरे। ये चेक करें माशाल्लाह, बच्चे चेक करें इसके कितने खूबसूरत हैं, अल्लाह ताला नजरे बच्चे बचाएं। देखिए ये असल में टेम्परेचर इन बच्चों के लिए रखना होता है, बड़ों के लिए नहीं रखना होता, क्योंकि इन्होंने गर्मी की वजह से ये मरते हैं। ये कितने हैं इस टाइम? जंप क्यों कर रहे हैं, डर रहे हैं? ये बस दहरी बात है, ये समझते फीमेल अंदर आई है तो वो दूध पीने के लिए। अच्छा, फीड के लिए, नेचुरल बिहेवियर है इनका जो कर रहे हैं। हाँ जी, नेचुरल बिहेवियर है इसलिए वो कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत हेल्दी बच्चे हैं, अल्लाह ताला इनको सेहत दें। आमीन आमीन। अच्छा, वो जो हमें आपने बड़ा दिखाया है 4 kg वाला, उसी के हैं? हाँ जी, उसी के, न्यूजीलैंड के। मिनिमम क्या साइज होता है जब आप इसको सेल आउट करते हैं? ये 45 दिन से लेकर 60 दिन तक सेल होता है। ठीक है। अच्छा, ये भी बॉक्स निकाले थे आदित्य भाई बाहर। ये तकरीबन 18 दिन के हो चुके हैं, वो 3-4 बच्चे उसके अंदर ही हैं। ये देखिए, ये देखें जी, आहा, छुप रहे हैं हमसे। और ये सारी उसने वूल उतारी हुई है अपनी माशाल्लाह। तो अलग कब तक हो सकते हैं ये तकरीबन? को अलहदा करना चाहें फीमेल से, मैं 40 दिन के बाद अलहदा करता हूँ। 40 दिन के बाद आप अलहदा कर देते हैं? हाँ जी, अलहदा करता हूँ 40 दिन के बाद। ये भी कितने दिन के पाए हैं? ये हो गया 18 से 20 दिन के। 18 से 20 दिन के? हाँ जी। डोर पर, अच्छा वो पड़ा, एक सेकंड अभी, एक सेकंड ठहरा। ये देखें जी माशाल्लाह से, अभी ये भी, ये इधर भी बच्चे पड़े हुए हैं लेफ्ट साइड पे। ये देखें एक और बॉक्स निकला है, इसमें काफी छोटे लग रहे हैं। हाँ जी, ये छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। ये कितने डेज के होंगे? ये 4 के। अच्छा, इनका दम नहीं घुटता ये बालों के नीचे, पैरों के नीचे? नहीं नहीं, दम नहीं घुटता क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है। नहीं नहीं, तो, मतलब ये इनके, अगर ये नेचर, नीचे घुस जाए? नहीं नहीं, ये नेचर है इनकी, जब फीमेल आएगी फीड के लिए ऑटोमेटिकली खुद ही बाहर आ जाएंगे, वो इसको हटाती है पहले। अच्छा, ये देखें, ये भी हैं बहुत आला माशाल्लाह। आपको यहाँ पे भी हमें बच्चे नजर आ रहे हैं माशाल्लाह। तकरीबन मेरे पास 10 फीमेल हैं, उसमें से 7 फीमेल ने बच्चे दिए हुए हैं, बनीज आए हुए हैं। बाकी तो एक बच्चे की क्या वैल्यू होगी? एक 8 से 9 हज़ार का सेल होता है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि अगर एग्जांपल ये रूम लेते हैं आप किसी भी एरिया में, हल्के एरिया में, क्या रेंट होगा इसका? इसका ये कह ले आप, अगर छोटे से लेवल पे भी आप हल्के एरिया में शुरू करें तो तकरीबन ये रूम का क्या रेंट होगा? 7-8 हज़ार होता है। 7-8 हज़ार रुपया अगर हम लोग किराए पे कमरा चलाते हैं, अगर उसकी बजाय हम लोग ये रख लें। हाँ जी बिल्कुल ऐसे। तो इस रूम में हम कितना मुनाफा ले सकते हैं? ये तो आपके 3 फीमेल और 1 मेल से, अगर अल्लाह ना करे एक्सपायर ना हो तो मुनाफा है? नहीं देखिए, मुनाफा तो इसमें मैंने आपको
1500, 2000, 3000, 4000 जहाँ भी सेल हो मुनाफा होता है, और क्योंकि इसके ऊपर खर्चा नहीं है, 1000-1500 इससे ज्यादा खर्चा नहीं है। अच्छा, और ये है जितनी प्रोडक्शन ज्यादा होगी, जितनी प्रोडक्शन ज्यादा होगी इतना प्रॉफिट ज्यादा होगा आपका, जितनी प्रोडक्शन ज्यादा होगी उतना प्रॉफिट ज्यादा होगा। ये हमारा मेरे कहने का मकसद है कि हम लोग रूम, ये रूम टू अक्सर किराए पे जो थोड़े बहुत चढ़ाते हैं, हाँ जी, और अगर हम लोग उसको इस तरह से यूज करें, हाँ जी, तो कैसा रहेगा? ये जहरी बात है, एक शौक भी होना चाहिए, ऐसे नहीं है भी जिनको शौक ना हो वो रखना शुरू कर दें, उसका फायदा नहीं है। ये हमारा बनीज रूम है, सेल रूम है। डोर ओपन कर दें इसका फिर, है ना, अंदर ताकि लाइट का थोड़ा इशू हो रहा है वो क्लियर हो जाए। ये माशाल्लाह ये मिक्स पड़े हुए हैं, इंग्लिश अंगूर भी है बीच में, लॉइन हेड ड्रॉप भी है, ये सारे मिक्स बनीज हैं। हाँ जी, ये मिक्स बनीज हैं इधर। तो ये कब तक जाएंगे आपके पास से? ये एक दो दिन में इंशाल्लाह, ये सेल हो चुके हैं तो है। ये हमारा यहाँ पे ये वॉक एंड जाने, वॉक एंड, हाँ जी, ये देखें जरा ये कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह, अल्लाह ताला से नजरें बख्शे बचाएं, क्या बात। ये इधर भी और यहाँ पे भी आपको नीचे नजर आ रहा है, छुप के बैठा हुआ है। अच्छा, हम बाहर वाली साइड पे वापस आते हैं। ये भी बनी हुए हैं, ये भी, ये अभी छोटे हैं, ये 35-40 दिन के हैं, तो अभी सेल के लिए, इसलिए कम से कम 45 दिन से लेकर 60 दिन तक सेल होता है। उसे पहले नहीं करने चाहिए? पहले ना लेने वाले को लेने चाहिए, ना करने वाले को करने चाहिए, बेहतर होता है, दोनों के लिए बेहतर है। जगह चेंज होने से नुकसान होता है? नहीं, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। बच्चों का नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। और अगर वो छोटे ले लेता है कि मैं खुद पालना चाहता हूँ शौक के लिए, तो वो कैसे, क्या फीड दे इनको? फीड तो जो लोशन चल रहा है, सीरियल, छोटे बच्चे, छोटे बच्चे, छोटे बच्चे, वो भी 22-25 दिन के बाद सर वो अपना उस पर आ जाते हैं, फीड पे आ जाते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये चेक करें कितना क्यूट है माशाल्लाह। अच्छा, इसके ये जो क्या कहते हैं इसको, बाल हैं, हाँ, ये इतने रहेंगे या बड़े भी होंगे? नहीं, ये इंग्लिश अंगूरा है, इसकी फर है, ये इसकी फर है, ये बड़े हो जाएंगे वक्त के साथ साथ। ये तो अभी 2 माह का है। ये मैक्सिमम नहीं है? नहीं, ये मैक्सिमम नहीं है। मैक्सिमम कितनी होगी इसकी? मैक्सिमम 4 इंच तक होगी। 4 इंच तक होगी, हाँ जी। अच्छा, ये कितने हैं यहाँ पे बच्चे अंदर? ये मिक्स पड़े हुए हैं, ये भी बुकिंग मतलब सेल हो चुके हैं, जाने हैं 2-4 दिन में, क्योंकि इसको बंद कर दें। अच्छा, ये ब्रीडिंग रूम नहीं है? ये हमारा ब्रीडिंग रूम नहीं है, ये सेल रूम है, बने कुछ यहाँ पे भी बॉक्स लगे हुए हैं, बॉक्स इसलिए लगे हुए, कुछ ब्रीडर हम अपने लिए तैयार कर रहे होते हैं। ठीक है, ये अंगूरा जो है ये, या वो बड़े साइज का लग रहा है मुझे वो। आप इधर आ जाए, अंगूरा इस रूम में, इधर ऐसे अंगूरा कितने हैं टोटल? इधर तकरीबन 7-8 अंगूरा है, इधर 7-8 अंगूरा है। अच्छा अच्छा, ये हमारा तीसरा रूम है, ये माशाल्लाह, ये देख ले आप कलर कितना प्यारा है, ब्राउन कलर में फीमेल है, ये हम अपने लिए तैयार कर रहे हैं। अच्छा, इसको खुद के लिए तैयार कर रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसकी हम थोड़ी लाइट तेज करके आपको दिखाते हैं, ये देखें जी माशाल्लाह, फीमेल आप लोग बेहतरीन क्वालिटी के अंदर है। और वो पीछे से तो बिल्कुल, वो पीछे से तो बिल्कुल वो बिल्ली लग रही है, पर्शियन कैट लग रही है ये, बस वूल इसकी ऐसी होती है। ये हमारा तीसरा रूम है। ये क्या चीज़ है? यहाँ पर भी एक बच्चा हमें नजर आया माशाल्लाह, ये नीदरलैंड रॉक का बच्चा है, नीदरलैंड रॉक, ये हॉलैंड लूप का है, ये न्यूजीलैंड वाइट का है, इस तरह मुख्तलिफ बच्चे हैं। ये बच्चे क्या वैल्यू होगी? ये नीदरलैंड का है बच्चा, 10,000 का है, और ये हॉलैंड लूप है, ये 15,000 का एक बच्चा है, ये ब्लू आइज में आ जाता है, जो रेड आइज में है उसकी वैल्यू थोड़ी कम होती है, ब्लू आइज की ज्यादा होती है, वो डिमांड है। अच्छा अच्छा, तीसरा रूम है ये लें जी, थर्ड रूम के अंदर हम लोग एंट्रेंस कर रहे हैं माशाल्लाह। ये सबसे पहले मेरे पास आ जाता है लाइन हैंड ड्रॉप, आ जाता है लाइन हैंड ड्रॉप, ये एज ए पेट है माशाल्लाह, ये वाइट कलर में है, इसमें ये एज ए पेट यूज होता है। हाँ जी, ये एज ए पेट यूज होता है, इसकी भी माशाल्लाह मार्केट में डिमांड अच्छी है, इसका फेस बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से। और इसके अलावा ये ब्राउन कलर, इसको पंच फेस भी कहते हैं, ऐसे ही है बस? नहीं, ये ऐसे ही होता है, ये बिल्कुल आगे स्ट्रेट है, हाँ जी, ये शेर की तरह जैसे कह ले आप, लॉयल हेड, इसलिए इसको कहते हैं, इसको कहते हैं। अच्छा, ये सेकंड की एज आपका आगे हमारी ये तरह, ये कलर में आ जाता है, वो व्हाइट कलर, कुछ लोग कलर पसंद करते हैं, कुछ लोग व्हाइट पसंद करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आगे ये बनीज हैं बीच में, ये कौन से बनीज हैं, इसको ओपन करें जरा। ये बीच में इंग्लिश अंगूरा भी है, फूजी लूप भी है, ये मिक्स पड़े हुए हैं। क्या नाम है? फूजी लूप। हाँ जी, फूजी लूप। फूजी लूप कौन सी ब्रीड है? ये इंडोनेशिया से आई थी।
इंडोनेशिया से आई थी। ये इम्पोर्ट किया हुआ कि लोकल है? नहीं नहीं ये इम्पोर्ट किया होगा। इम्पोर्ट किया होगा। अच्छा अच्छा, ये कौन सा, ये राइट साइड पे बैठा हुआ घिरे हुए कानों वाला? ये इंग्लिश अंगूर है, ये बनीज है, अभी तैयार हो रहे हैं। इसकी क्या वैल्यू होगी इस टाइम? इस टाइम इसका है जी 15,000 पर पीस है। पर पीस ये जो अडल्ट है? हाँ जी ये अडल्ट हो गए हैं। और जो बिल्कुल यंग होते हैं वो जो ब्रीडर तैयार कह रहे हैं, जो ब्रीडर होता है, जो ब्रीडर, उसका 30,000 से 35,000 का पर पीस है। 30,000 से 35,000 का माशाल्लाह से पर पीस है। अच्छा कुछ इसमें वो भी पीस आ रहे हैं ना बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं, जो इम्पोर्टेड होते हैं 2,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए। वो जर्मन जॉइंट, वो जर्मन जॉइंट में बड़ा साइज में आ जाता है। होते हैं इंग्लिश अंगूर है? नहीं नहीं वो मीट पर्पज के लिए। नहीं नहीं इसी के अंदर मैंने देखा वो बहुत बड़े बड़े पैसे बहुत ज्यादा बताते होते हैं। नहीं उसका मुझे शायद आइडिया नहीं है। ठीक है तो हम लोग फिर आगे चलते हैं। आगे ये मेरा इंग्लिश अंगूरा शुरू हो जाता है यहाँ से। और वो मंकी फेस में कौन सा होता है? ये मंकी फेस में ही है ये। थोड़ा इसको राइट साइड पे करें जरा प्लीज। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह से सेटअप इनका। ये मंकी फेस में जी। इसका चेहरा बिल्कुल बंदर जैसा होता है। हाँ जी बिल्कुल ऐसी। ये देखें माशाल्लाह इसकी वूल देख लें। सही किसी ने नाम दिया है। और कान इसके बिल्कुल अंटीने के जैसे हैं। ये फुल फेस में है मगर इसकी कटिंग की हुई है क्योंकि हमने ये अपने लिए रखा। ये क्या चीज़ है? ये इंग्लिश अंगूर है। ये भी इंग्लिश अंगूर है? हाँ जी। इसको ये फुल फेस में होता है। फुल फेस मतलब? मतलब इसके बालों पे आगे फेस पे बाल ही बाल होते हैं आगे। अच्छा अच्छा आपने बाल काटे हुए हैं? हाँ जी कटिंग की हुई है क्योंकि हमने ये अपने लिए रखना, हमने सेल नहीं करना। ठीक है इसलिए आगे ये आ जाती है, फीमेल आ जाती है। वाओ माशाल्लाह। ये कौन सी है? ये भी इंग्लिश अंगूरा है। ये टोटल इंग्लिश अंगूरा लगा हुआ है? हाँ जी ये टोटल इंग्लिश अंगूरा है। तकरीबन मेरे पास 18 फीमेल हैं। इसको क्या कहेंगे? फाउन कलर का? ये हाँ क्या कहेंगे? स्मोक ग्रे कहेंगे? हाँ स्मोक ग्रे कहेंगे इसको। सही है। मेरे पास 18 फीमेल हैं इंग्लिश अंगूरा की। ठीक है। तकरीबन 9 मेल हैं। 9 मेल हैं 18 फीमेल हैं। हाँ जी ठीक है। माशाल्लाह इसके ये नीचे बनीज भी आए हुए हैं। एक सेकंड सर हम यहाँ पे लाइट कर लें थोड़ी सी जी। ये इंग्लिश अंगूरा है ये भी। ये फीमेल इंग्लिश अंगूरा है। ये टी फेस में है। टी फेस मतलब? ये इसके आगे से मतलब बाल नहीं होती है, आगे बिल्कुल खाली होता है फेस, नाक के पास से, इसे टी फेस बोलते हैं। अच्छा टी फेस बोलते हैं इसको। ये माशाल्लाह इसके बनीज और कहाँ पे बनी? ये रहे जी बनीज इसके खूबसूरत। अच्छा ये कान कब तक नीचे करेंगे अपने? ये कान नीचे नहीं करते, उनके कान खड़े रहते हैं। अच्छा अच्छा सही है। अच्छा इंग्लिश अंगूरा जो है इसके ऊपर ज्यादा वूल है या वो जो दूसरे हैं? नहीं इंग्लिश अंगूरों के ऊपर ज्यादा वूल है। ये एज ए वूल वूल के लिए है मगर कम से कम 2-3 साल इसमें भी लग जाएंगे। जब तक आपके प्रॉपर शेड नहीं बनते तब तक इस पे वूल पे काम नहीं हो सकता। तो आपके साथ सबसे ज्यादा मार्केट किस चीज की है इस टाइम? माशाल्लाह मेरे तो सारे ही सेल हो रहे हैं। सारे सेल हो रहे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह जी। कोई इतना खास मैंने कभी मार्केटिंग नहीं की, एड वगैरह नहीं लगाना पड़ता। तो कैसे मतलब रابطہ कैसे करते हैं लोग आपके साथ? देखिए आप अच्छी क्वालिटी रख के आपका अच्छा नाम बनेगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप तो बैठे भी इतनी दूर आके हुए हैं तो लोगों को मुश्किल नहीं होती होगी ढूंढ रहे? मानसेरा से अबटाबाद से आ सकते हैं तो लाहौर से तो फिर वैसे ही आ जाए। तो ये अभी इधर ब्रीड रहती है इस तरफ और ब्रीड है, हम नीवे नीवे होके बाहर निकल रहे थे। ये आगे आ जाता है नीदरलैंड ड्रॉप आ जाता है। ये देख रहे हैं नीदरलैंड ड्रॉप। ये आपको ब्लैक कलर में माशाल्लाह ये जी नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। ये वाइट कलर में भी नीदरलैंड बड़ा एक्टिव बच्चे टिकता नहीं है जगह पे। ये एज ए पेट ये भी सेल होता है। सही क्या वेट होता है इसका मैक्सिमम? इसका वेट पे नहीं ये एज ए पेट सेल होता है। ये क्या चीज है? ये भी नीदरलैंड ड्रॉप है। एक सेकंड ये रेड आइज में है वाइट है। ये बड़ा डर के बैठा होगा। ये बस वैसे ही बैठा होगा। इसमें कलर्स कितने आते हैं? इसमें कई काफी कलर ये भी वही है। हाँ जी ये भी सबसे ज्यादा क्यूट ये लगता है। कान काले और आंखें काली होती हैं। ये बस ये तो किस्मत की बात होती है किसी यूएन सबसे छोटा साइज होता है। जो सबसे छोटा साइज है इसे छोटा नहीं ना होता रैबिट? नहीं इससे छोटा नहीं है। ये देखें जी सबसे छोटे वाला रैबिट आपको नजर आ रहा है और कितने मजे से यहाँ पे पानी पी रहे हैं माशाल्लाह। आगे ये फूजी लूप है। अच्छा ये जंप नहीं करते अजी भाई? नहीं नहीं जंप वगैरह नहीं करते, पुरसुकून है, कोई टेंशन नहीं होती। ये क्या चीज है? ये फूजी लूप है। ये देखिए जी ये फूजी लूप है। ये इसका मुंह कहाँ पे है? एक मिनट ये तो बालों में भरा हुआ है पूरा। ये एज ए पेट सेल होता है ये भी।
माशाल्लाह इसकी सेल भी अच्छी है। इसके लिए एसी लगवाना पड़ेगा। एसी देखिए आपने अगर ब्रीड लेनी है तो फिर टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। टेम्परेचर मेंटेन नहीं तो कुछ नहीं। हाँ जी वो मेन चीज आ जाती है बच्चों के लिए आ जाती है। अच्छा अच्छा वैसे तो ये सर्वाइव कर जाते हैं जो यहाँ पे पैदा हुए हैं तो वो सर्वाइव। अच्छा, बच्चों के लिए टेम्परेचर, उनको भी सर्दी की जरूरत है। मतलब टेम्परेचर होगा तो वो सर्वाइव करेंगे, गर्मी में तो गहरी बात वो मर जाते हैं। ये देखें जी ये क्या चीज है, ये फूजी लूप है, ये पांडा कलर में है, वो व्हाइट कलर में है। जैसे ज्यादा रेयर तो पांडा होगा ना। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, पांडा बहुत पसंद किया जाता है। व्हाइट ओपन करें जरा। ये कैले लाहौर में मैं तकरीबन इस हफ्ते में 2-3 सेटअप लगा चुका हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी आपको एक साल हुआ ना काम करते हुए? एक साल हुआ, इस हफ्ते की बात कर रहा हूँ, इससे पहले माशाल्लाह काफी सेटअप लगाए हैं। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही तरक्की दे। उसके अलावा बाकी ये कहले, अब इंशाल्लाह मेरा जो गांव है जेलम शहर है वहाँ पे इरादा है लगाने का। तो इंशाल्लाह रमजान के बाद मेरा वहाँ पे एक बदर भाई है तो उनके साथ बात हो रही है तो इंशाल्लाह हो सकता है उनके साथ। तो बदर भाई को यहाँ से कोई पैगाम देना तो दे दें। नहीं वो बहुत अच्छे दोस्त है मेरे इंशाल्लाह। नहीं आप क्या कहते हैं कि जो 2-4 खरगोश का शौक करने वाले हैं वो भी तसल्ली से ना करें, मतलब अभी ठहर जाएं या कर दें शुरू? नहीं वो जो कर सकते हैं तो वो कर ले, जिसको शौक है वो करे, जिसको शौक नहीं है ना वो बिल्कुल ना करे, उसको वो पैसा जाया करेगा फिर इसमें नुकसान हो जाएगा। फिर दूसरों को भी यही कहेगा ये काम अच्छा नहीं है, जिसको समझ आ जाती है जिसको एज ए पेट वो उसके लिए बहुत अच्छा है ये काम। ठीक है ले मेरे भाइयों, ये था हमारे आदिल भाई का सेटअप। इस तरफ थोड़ा अंधेरा और इस तरफ आए थोड़ा इधर, ठीक है। बाकी यार उम्मीद है कि आप लोगों को मज़ा आया होगा, वीडियो लेट आई है उसके लिए मैं माफ़रत चाहता हूँ। और अगर आप लोग वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर रब्ता करें, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। और लाइक शेयर कमेंट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हम लोग मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम।